बनाना केक बना रहे हैं तो बनाना केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग नोट कर लें। ये मैंने चार बनाना लिए हैं, ये इस तरह से थोड़े पके हुए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, बड़े वाले नहीं हैं। ये डेढ़ प्याली मैंने मैदा लिया है, एक प्याली मैंने ये चीनी ली है पीसी हुई घर की, एक कप मैंने ये दूध लिया है, ये क्वार्टर कप मैंने ऑयल लिया है, ये बनाना एसेंस लिया है मैंने, ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, एक 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये है 1/4 टीस्पून नमक है 1 चुटकी। तो चलें आप इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ये मोल्ड तैयार करके रखेंगे जिसमें हम केक बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से आयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। ये मैं बटर पेपर नहीं लगा रही, ये मैं खाली दूसरा पेपर लगा रही हूँ। अगर आपको बटर पेपर वाली देखती है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ। तो ये देखें, अगर आप लोगों के पास बटर पेपर ना हो तो इस तरह से आप ये भी लगा सकते हैं, ये दूसरा जो नॉर्मल कॉपी का कागज़ होता है ना वो भी आप लगा सकते हैं इस पर। इसको इस तरह से ये फिक्स कर लें इसके अंदर, नहीं तो आप मैदा भी छिड़क सकते हैं। ये देखें, ये इस पेपर को भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया है, तो अब हम इसको जूसर जग देंगे। तो इसके अंदर ये केले छील के डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केले मैंने थोड़े से पके हुए लिए हैं, आप भी इसी तरह से लीजिएगा। तो ये चारों केले मैंने जूसर जग के अंदर डाल दिए हैं, तो अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर चला गया दूध, जो मैंने 1 कप लिया हुआ दूध वो इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब इसको हल्का सा मैं चला लूँगी मशीन पे। देख, तो इसको मैंने जूसर में डाल दिया, बस हल्का सा इसको मैं चला लूँगी। तो ये केलों को मैंने दूध के अंदर डाल के हल्का सा ये मिल्क शेक की तरह मैंने तैयार कर लिया। तो अब सबसे पहले मैं ये शामिल करूँगी इसके अंदर। इसको ज़्यादा इसको नहीं पीसना, बस जिस तरह से मैंने पीसा इसी तरह से पीसना, दरदरा सा। ये थोड़ा सा मैंने इसका बचा लिया है, ये मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है। ये भी इसी के अंदर ही डालेंगे। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर डाल दूंगी मैं ऑयल। ये ऑयल जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये बिना फ्लेवर वाला है। पहले मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये चीनी, इसे मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पहले मैं डाल दूंगी। इसके अंदर चला गया, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं इसके अंदर बनाना एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास बनाना एसेंस नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, हो तो आप डालें। तो ये देखें, ये इस तरह से होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इस तरह से होना चाहिए। चलो जी, ये हमारा तैयार हो चुका है। लाल रखना रही, अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो मैं बिना ओवन के बना रही हूँ, पतीले में बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। ओवन में भी मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन लोगों के पास ओवन नहीं होता तो उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो आप पतीले में भी इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसको इस तरह से इसे दो बार ताकि इस तरह से स्टेप करेंगे, तो ये इसके अंदर जो
बबल्स वगैरह। ये पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया था। मैंने इसके अंदर कोई नमक नहीं बिछाया, आप ही अगर नमक नहीं बिछाएंगे तो कोई मसला नहीं है। देखे पतीला मेरा प्री हीट हो चुका है। अब इसको मैं बड़े ही आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने हाथों को बचा के इस तरह से ये इसके अंदर डाल दें। एक जाली स्टैंड मैंने रखा, अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं हो तो आप कोई भी कटोरी कुछ भी आप रख सकते हैं नीचे, और उसके ऊपर ये केक रख दें। तो अब मैं इसके ऊपर ये तंदूरा जो मेरा है, ये कपड़ा, ये आप वो वाला रखें कि थोड़ा सा जल जाता है। ये पहले भी मैंने केक बनाया है तो उस वजह से ये थोड़ा सा जल चुका है, तो आप वो वाला कपड़ा रखें क्योंकि इसको गीला तो नहीं कर सकते। ये कपड़ा रखने का मतलब ये है कि ये जो ढक्कन का भाप होगा, पानी होता है ना, वो अंदर नहीं जाएगा और केक हमारा ख़राब नहीं होगा। इसीलिए ये आप कपड़ा जो है जब भी रखें तो ये अंदर की तरफ रखें, ऊपर की साइड नहीं रखें, ढक्कन के से पहले ये कपड़ा रखें और इस तरह से इसको कवर करके ढक दें। ये कपड़ा मैं फिर बता रही हूँ, आप वो रखें जिसका आपको फिर फिक्र नहीं हो कि आप मेरा कपड़ा जो है वो जल चुका है। तो इस तरह से ये मैं आप इसको 35 मिनट के लिए, 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको मैं छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ये लो फ्लेम कर दूँगी। लो तो ये 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना केक चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से कितना अच्छा फूला है। तो अब ये टूथपेस्ट की मदद से हम ये केक को चेक कर लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, देखते हैं। तो ये देखें, ये अभी थोड़ा सा इसके साथ टूथपेस्ट के साथ लग गया, तो इसका मतलब है कि अभी केक जो है हमारा थोड़ा सा कच्चा है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे और छोड़ देंगे। ये देखें, चेक किया एक दफ़ा तो थोड़ा केक हमारा जो है वो कच्चा था। अभी फिर दोबारा से इसको चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल एक दो जगह से ये चेक कर लें, बिल्कुल क्लीन निकला ये टूथपेस्ट। तो ये देखें, हमारा केक जो है वो परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केक हमारा ठंडा हो चुका है। और जब केक हमारा अच्छी तरह से ये खुल जाता है तो ये देखें साइड ये खुद से छोड़ देता है, ये इसकी निशानी होती है। तो अब इसको जो है ना हम केक को निकाल लेते हैं। ये देखें कितना स्पंची सा हमारा ये केक जो है बन के रेडी हुआ है। तो ये अब इसके ऊपर से हम ये पेपर जो है ये उतार लेंगे। पेपर मैंने इससे उतार लिया है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट सा, कितना स्पंजी हमारा ये केक जो है ये देखें बन के तैयार हुआ है। तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो काटने के लिए मैंने ये ले लिया है एक अदर धागा। एक मिनट, ये नलकी का मैंने धागा ले लिया है। तो धागे को मैं इस तरह से दरमियान में रख लूँगी, इस तरह से बिल्कुल आप जो है ना इसको जोड़ लें धागे को, ताकि ऊपर नीचे ये नहीं कटे। इसका ये धागे से काटना बहुत ही आसान होता है। तो आप भी ज़रा इससे जब काटेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना मज़े का कटता है। अब आपके पास अगर तेज़ वाली ये देखें छुरी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से ये धागे को इस तरह से ये कैंची की तरह से बना लेना और इसको इस तरह से खींचते हुए ये बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। ये बहुत ही मजे का हमारा ये जो केक है ये कट चुका है। ये देख, तो ये हमने बहुत ही आसानी से इसे काट लिया है। अगर आप छुरी से काटते हैं तो जो एक्सपर्ट नहीं है तो वो ऊपर नीचे काट बैठते हैं। तो ये धागे वाला जो मैंने आप लोगों को सिखाया है ये बहुत ही इजी है। तो अब ये हमारा तो ऊपर से बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे। चलो एक बार इसको मैं रखती हूँ और मैं अपनी क्रीम जो है वो आपको बता देती हूँ व्हिप करके। ये व्हिपिंग क्रीम मैंने ले लिए है, अगर आपकी मर्जी आप कितनी लगाना चाहते हैं। मैंने ये 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। तो अभी इसको मैं व्हिप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अच्छा मैंने इसको बीच में इसलिए रोक लिया कि इसको मैं इतना बीट करूंगी कि इसको डबल, जब ये डबल क्वांटिटी में हो जाएगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो क्रीम हमारी जो है वो बीट हो चुकी है, आप जो है मैं इसमें से निकाल लूँगी, डिवाइड कर लूँगी ताकि जो मैं फ्लावर ऊपर बनाऊँगी तो वो इसके अंदर मैं कलर मिला सकूँ। कुछ करीब मैं वाइट छोड़ दूँगी, बनाना केक है तो येलो कलर तो फिर इसमें डलेगा ही। तो ये मेरे पास येलो जेल कलर है तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जेल का कलर जो है ये बस एक से दो ड्रॉप ही डालते हैं, बस इतना सा ये जाएगा इसमें। और इसके अंदर फ्लावर बनाने के लिए, ये लीव्स बनाने के लिए मैं ये ग्रीन कलर डाल दूंगी। इसको मैं कर दूंगी मिक्स। थोड़ी सी इसके ऊपर मैं ये क्रीम लगा लूँ हल्के से। अब इसके ऊपर ये मैं केक रख दूंगी इस तरह से। तो ये मेरे पास दूध है, दूध बॉयल दूध है, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने चीनी डाल ली है और इसको हिला लिया। अब इसके ऊपर मैं ये अच्छी तरह से दूध डाल दूंगी, दूध के साथ इसको सोक करूंगी। दूध मैंने इसके ऊपर डाल दिया, अब इसके ऊपर मैं लगा लूंगी क्रीम। बिस्मिल्लाह इस तरह से। तो ये क्रीम जो है वो इसके ऊपर मैं लगा चुकी हूँ, अब इसके ऊपर मैं ये दूसरा स्पंज रख दूंगी कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर भी मैं ये क्रीम लगा लूंगी। तो फ्लावर बनाने के लिए मैं ये वाला टोटल यूज कर रही हूँ 62। तो इस तरह से मैं ये तो लीव्स बनाने के लिए ये मैं 59 वाला यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया एक पाइपिंग बैग, तो इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी ये इस तरह से। ये लो कर ये देखें इस तरह से। अब आगे से मैं ये इसको ये थोड़ा सा कट कर लूंगी, ये इसके बाद निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं और कट करूंगी, ये थोड़ा कम कटा है तो थोड़ा सा और काट देती हूँ इस तरह से। इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ से आएंगे या दूसरे को इस तरह से। यहाँ से ये खत्म हुआ, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा फ्लावर जो है ये देखे बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका। ये हम इसकी मदद से उठा के इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। मैं
मैंने लगा दिए। अब ये वाला मैंने लॉस कर लिया, इससे मैं इससे बॉर्डर जो है वो बना लूँगी। इस तरह से ये मैं अभी इस बॉर्डर को तैयार कर लूँगी, थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देते हुए इस तरह से। को जो है ना तैयार कर लिया, ये देख सकते हैं आप। तो ये अभी मैं थोड़े से लीव्स बना दूंगी। प्रेशर देते हुए इसके ऊपर ये छोटे छोटे से डॉट्स बना दूंगी, इस तरह से करके। ये बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं इस तरह से। ना देती हूँ तो ये मेरे पास कुछ सिल्वर पर्स थे, ये मैंने ऊपर लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से कितना सुंदर हमारा ये केक जो है वो बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी बनाना केक की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।